दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सबमरीन के बारे में बताऊंगा जो अचानक से गायब हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक का मलबा देखने गई 5 पर्यटकों से भरी पनडुब्बी अचानक गायब हो गई। रविवार के दिन पनडुब्बी पानी में जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद तलाश जारी है। इस 8 दिन की पर्यटन यात्रा का टिकट $2,50,000 यानी कि 2 करोड़ रुपये है। कंपनी का कहना है कि इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम और 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस टूर के दौरान पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास समंदर में 3,800 मीटर नीचे डुबकी लगाती है। इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जबकि इसमें 4 दिन की ऑक्सीजन थी जो अब तक खत्म हो चुकी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी में पाकिस्तानी क्यारापति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी थे। यह चालक दल के साथ 19 जून को अटलांटिक महासागर में रवाना हुई थी। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 दिन की ऑक्सीजन के हिसाब से इस पनडुब्बी में गुरुवार की शाम तक ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी, लेकिन कंपनी उन सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।